हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटी और मजेदार, देखते ही मुंह में पानी लाने वाली फेमस इंडियन स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दही पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये गोलगप्पे लिए हैं, आप देख सकते हैं। आधा लीटर दही लिया है जिसे कि मैंने फेंट के रखा हुआ है। 4 से 5 बॉईल आलू लिए हैं जिसे कि मैंने थोड़ा सा मैश करके रखा हुआ है। 2 बड़े प्याज काट के रखे हुए हैं। इमली की खटाई यानी कि मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल टोमेटो 2, उसे भी मैंने काट के रखा हुआ है। बारीक सेव, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर, चीनी और नमक। अब हम इस दही में ये 4 टेबलस्पून चीनी मैंने रखी हुई है, ये मिक्स करेंगे पहले, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक यहां पर मैंने 1 छोटा चम्मच रखा हुआ है। दही पूरी बनाने के लिए हमें मीठा दही चाहिए। वैसे दही में चीनी कितनी डालनी है यह आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है। पहले हम इस दही में इस चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दही में हमारी चीनी अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। प्लेट लेंगे और उसमें ये गोलगप्पे रखेंगे इस तरह से फोड़ के। आप देख सकते हैं हमने अपने सभी गोलगप्पे फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें ये आलू डालेंगे पहले। प्याज, अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने आलू, प्याज और टोमेटो सभी गोलगप्पों में डाल दिए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। हम इसमें दही भर के डालेंगे।
इस तरह से। अब हम इसमें ये इमली की खटाई डालेंगे, मीठी चटनी। हरी चटनी हम इसमें दही थोड़ा और डालेंगे। अब हम इसमें ये जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक। अब हम इसमें ये अपने बारीक सेव डालेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी दही पूरी अब रेडी है। आप हरी चटनी और इमली की खटाई की रेसिपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।